100 करोड़ वैक्सीनेशन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा देश को मिला 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच, कोरोना को जल्द हराना है। भारत ने रचा इतिहास, कोविड 19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ट्वीट कर दी बधाई। बेगूसराय में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या का किया विरोध, कार्यकर्ताओं ने की परिजनों को 20 लाख रुपए देने मुआवजा देने की मांग। कानपुर देहात में बारिश बनी परेशानी का सबब, तेज हवा और लगातार बारिश से कई फसलें बर्बाद, किसानों की लागत और मेहनत पर फिरा पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉल इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कोरोना से जंग, देश एक संग। जी हां, भारत में कोविड 19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भारत ने आज इतिहास रचा है, हम 130 करोड़ भारतीय आज भारतीय विज्ञान उद्यम और सामूहिक भावना की विजय देख रहे हैं और 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि आज देश ने अपने 100 करोड़ के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है, जिसके बाद देश में जश्न का माहौल है। इसके साथ ही WHO ने भी 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत को बधाई दी है। तो ऐसे में भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है और लगातार बधाई भारत को मिल रही है। मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगों को लेकर विशेष सौगात देते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के SDM पश्चिमी दिव्यांगों का मजाक बनाते हैं। दरअसल जिला प्रशासन सरकार की व्यवस्थाओं पर पलीता लगाने में जुटा हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह दिव्यांग दंपत्ति बिना किसी सुविधा के कीचड़ और खुरदरे सड़क से गुजरते हुए परेशानियों को झेलते हुए SDM कार्यालय पहुंचे और नामांकन अपना कराया। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मुजफ्फरपुर में दिव्यांगों का मजाक उड़ा है और बिना किसी सुविधा के वो नामांकन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सरिया ब्लॉक के रुपौली गांव में श्राद्ध कर्म भोज के खाने में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बताया गया है कि करीब 2 दर्जन बच्चों को सरिया PHC में भर्ती कराया गया है, वहीं निजी अस्पताल में एक बच्चे की मौत भी हो गई है। घटना की जानकारी के बाद बच्चे के परिजनों ने बताया कि बीते दिनों ही गाँव के पास में एक श्राद्ध कर्म में भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें गाँव में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए थे। वहीं भोजन करने के बाद कई बच्चों को उल्टी, दस्त, बुखार और हालत गंभीर होता देख सरिया के PHC में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालात को गंभीर देख निजी अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया था, जहां पर कई बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मुझे 8 बजे के लगभग गांव के ही लोगों ने फोन पर खबर किया कि वहां पर गाय दस्त का शिकार कई बच्चे हो गए हैं, तो मैंने तुरंत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सरिया से बात की और कहा कि अविलंब जो है मेडिकल टीम वहाँ भेजिए और परिस्थिति का देखिए, और जब अगर गंभीर मामला हो, बच्चे हो, तो उन्हें लेकर अस्पताल में आकर इलाज कराइए और फिर तुरंत फीडबैक मुझे दीजिए क्या स्थिति है। तो कुछ देर के बाद उन्होंने कहा था कि करीब 1 दर्जन बच्चे को यहाँ ले आए हैं, फिर एम्बुलेंस हम लोग भेजे हुए हैं और जो होंगे उनको भी ले आएंगे। फिर मुझे स्वयं लगा कि मुझे खुद जाकर देखना चाहिए, मैं रात में ही गया वहाँ पर और मैंने वहाँ भर्ती सारे लोगों को देखा, एक एक करके मैंने देखा, सबकी स्थिति ऑलमोस्ट समान हो रही थी और डायरेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे ठीक हो गए हैं। रुपौली पंचायत के अंतर्गत 6-7 बजे सो जो डायरिया का प्रकोप जो बढ़ा है, जो 9-10 बजे एक आदमी का मृत्यु भी हो गया, जो बिगन महतो का लड़का था और वो बेचारा 10 साल का लड़का जो मृत्यु हुआ, और उसके बाद लगातार डायरिया का प्रकोप बढ़ता गया, जो मैं लगातार हॉस्पिटल में ले आया सबको और एम्बुलेंस से यहाँ से भी उपलब्ध हुआ,
और लोग आए और अभी तक 50 लोग फांस चुके हैं। अभी भी दो आदमी आया है डायरिया से, जो अभी कोई वहां पर भूख नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है डायरिया का प्रकोप। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा अपने गार्जियन लोगों से, स्वास्थ्य विभाग से, जो चिकित्सा का उपलब्ध गाँव में भी कराया जाए। बेगूसराय में भाकपा माले के एक कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में प्रवासी बिहारी मजदूरों की हत्या के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, जिला सचिव दिवाकर कुमार के नेतृत्व में पार्टी ऑफिस से प्रतिरोध मार्च निकालकर डीएम ऑफिस पर पहुंचकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माले नेताओं ने कहा कि आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार की गलत नीति की वजह से जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों को टारगेट कर हत्या की जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए तक मजदूर के परिजनों को 20 लाख का रुपए का मुआवजा देने और परिजनों को सरकारी नौकरी और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा की गारंटी की भी मांग की गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार बिहारी प्रवासी मजदूरों की हत्या हो रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और खास करके हत्या के जिम्मेदार मोदी और नीतीश सरकार है। इस लेकर के हम इस्तीफे की मांग करते हैं और साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई है, 20-20 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे और उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे। और खास करके जो प्रवासी मजदूर विभिन्न प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, लगातार ये मांग उठता रहा है कि इनके संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दो महिला सहित 8 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां घायलों की स्थिति सामान्य है। बताया गया है कि सड़क पर गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हो गया था और इसी विवाद में दो पक्षों के बीच विवाद के निपटारे के लिए समझौता चल रहा था। उसी दौरान दोनों पक्ष भिड़ गए और लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें दो महिलाओं के अलावा 8 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट मतलब कि गाड़ी चलता ना, टाइम दबाव का घर में सा कहला खातिर के एंजन के दूर पर रोड बा, हम गाड़ी आवला एक दूर पर हमके बीच गांव में काम है, तो कहता ना कि गाड़ी रेखा से कुछ बता दे हमके छुटा दे रहे जा समझाता कर के सुग्रीम सिंह गई हम गांव में चौधरी हम पर हम कहीं से कर जाए कहीं कर कर जाए यही पर चल चल मार रहे हम कने ई लग रहे गाड़ी पर कहीं तो कुछ कर रहे हैं ये पर हम मारे चल चल ना झिलकार के। कानपुर देहात में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते किसानों पर कहर टूट पड़ा है। किसानों की तैयार फसल बारिश और तेज हवाओं के चलते पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है और ये झटका किसानों के लिए इतना बड़ा है कि शायद वो बर्दाश्त करने की स्थिति में भी नहीं है। दरअसल इस बारिश ने जिले के 1.5 लाख हेक्टेयर में तैयार धान की फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। किसानों का साफ तौर से कहना है कि इस बारिश से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि अनुमान के मुताबिक पूरे में किसानों की लगभग 10% फसल तैयार थी और कटी हुई खेतों में पड़ी थी, लेकिन अचानक हुई बिन मौसम बारिश ने किसानों को खेत में पड़ी उस फसल को उठाने का भी मौका नहीं दिया। वहीं देखा जाए तो हाल ही में बता दें सरसों और आलू की एक दिन पहले हुई बुआई के बाद अब बारिश ने इस फसल को भी पूरी तरीके से खराब कर दिया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं बारिश के बाद खेतों में किस तरह से पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। यह पिछले लगभग 35 सालों का यह रिकॉर्ड बारिश हुई है। लगातार कुल मिलाकर के 127 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे एक तो जो हमारी फसलें बोई गई हैं, खरीफ की फसल है, जो धान जो निचले एरिया में है वो गिर गई हैं। गिरने के बाद वो उस पर ऊपर से पानी भर गया है। कुछ तो किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसल धान की काटी हुई है, वो भी फसल डूब गई है। इसमें फसलों की भारी क्षति हुई है, इसका हम लोग आकलन करा रहे हैं। साथ ही कुछ हमारी रबी की फसलें जो राई बोई गई थी वो भी जलमग्न हो गई है। इसके साथ ही आलू की भी फसल बोई गई, उसका भी नुकसान हुआ है। इसमें हम लोग
जो कृषि विभाग के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो संचालित है उसके तहत हम लोगों ने बहुत अपील किया है कि जो भी किसान भाई का क्षति हुई है उसको 72 घंटे के अंदर हम लोगों को कृषि विभाग में बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत करें। नुकसान लगा बताए न, सबसे ज्यादा किस फसल में हुआ है नुकसान? धान है, आलू है, अल्लाह से समा है। अच्छा, ये जो धान पीछे दिख रही है ये सब कट चुकी थी, यहीं पे लगी थी? हाँ, कटी रहा है, पानी में निकाली है। अच्छा, ये सब पानी में पूरी तरीके से भीग गई? हाँ, सब पूरी तरीके से बूढ़ी रहा है पानी में। नुकसान हुआ है, क्या फसल में नुकसान हुआ? अभी लाई तो बेकार ही हो रही है। अच्छा, लाई जमी आदि पानी से बिल्कुल बेकार हो रही, गल रही, इस वजह से मैंने निकाल दी जाए, बच जाए तो बच ही जाए। अच्छा, और भी फसलों में कोई नुकसान? हाँ, नुकसान क्यों नहीं भाई, धान भी गिर रहा है, नुकसान है। अच्छा, नुकसान। अच्छा, तो इसको खाली करना पड़ रहा है आपको? हाँ, खाली करना पड़ा, निकाल दे तो एक साथ हो जाएगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में जनता को लुभाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस बाकी दलों की तुलना में खुद को पीछे नहीं देखना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने पर लड़कियों को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, मैं कुछ छात्रों से मिली, उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ाई और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा पत्र समिति की सहमति से इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक पास करने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का यूपी कांग्रेस ने आज फैसला लिया है। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है, छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का फैसला किया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ अमित शर्मा हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से देखा जाए विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार कांग्रेस एक्टिव मोड में है। पहले तो पार्टी में विधानसभा चुनाव में 40% आरक्षण महिलाओं को टिकट देने के लिए ऐलान किया, अब छात्राओं के लिए भी एक नया ऐलान कर दिया है कि स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल। अब हम लोग एक्चुअली चुनावी वर्ष में है, और जहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वेंटिलेटर पे पड़ी हुई पार्टी माना जा सकता है, अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है कई सालों से, जी प्रियंका गांधी पूरी तरह से एक्टिव मोड में पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं, जगह जगह लोगों से मिल रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं और रास्ते में भी लोगों से संवाद कायम कर रही हैं। इसी के क्रम में अब चूंकि प्रियंका गांधी एक महिला है और महिला सशक्तिकरण की लगातार बात उठाती रही है, जी महिलाओं को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, 40% आरक्षण और बच्चियों को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की आज घोषणा की गई है। आप इसको एक तरीके से चुनावी स्टंट मान सकते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, लगातार हर पार्टी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे लुभावने वादे कर रही है। बिल्कुल अमित, और इसीलिए शायद कांग्रेस इस बार इसी कोशिश में है कि महिलाओं की बात करके और नारी शक्ति की बात करके इसीलिए आगे बढ़ा जाए, और इसीलिए ये तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। कांग्रेस सिस्टम में लोगों से सीधे संवाद कायम करने की स्थिति में है, क्योंकि काफी दिन से करीब 30 साल से सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश में, तो प्रियंका गांधी ने जब से कमान संभाली है लगातार एक्टिव मोड में महिला सशक्तिकरण की बात करती हुई नजर आ रही है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो अपने वादों पर किस प्रकार से सटीक बैठ पाती है। चलिए ठीक है अमित, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से एक और दाव खेला गया है। पहले अभी 2 से 3 दिन पहले प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया था कि वो टिकट में बांटने के उसमें 40% जो है आरक्षण महिलाओं को देंगी, लेकिन अब एक बार फिर से ये छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए घोषणा की गई है कि स्मार्टफोन और स्कूटी उन्हें दी जाएगी। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, मौसम साफ होने के साथ ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तीर्थ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। दरअसल मौसम विभाग ने राज्य में 17 से 19 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, और इस चेतावनी के बाद तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 18 अक्टूबर को
चार धाम यात्रा स्थायी रूप से रोक दी गई थी। बुधवार को केदारनाथ धाम में 4000 से ज्यादा तो गंगोत्री धाम में 1433 और यमुनोत्री धाम में 2444 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस तरह कुल 8352 श्रद्धालुओं ने चार धाम की यात्रा की। आपको बता दें, चार धाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने कहा कि हालांकि बद्रीनाथ की यात्रा भी शुरू नहीं हो सकी है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग का पीपल कोटी जोशीनाथ बद्रीनाथ हिस्सा कई स्थानों पर भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है, लेकिन ऐसे में अब लगातार जिस तरह से स्थिति खराब बनी हुई थी उसके बाद अब मौसम भी साफ हो गया है, लगातार काम किया जा रहा है, उसको देखते हुए अब चार धाम यात्रा को फिर से खोल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। सहारनपुर में धर्मांतरण के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी के खिलाफ सरकारी गवाह बने नितिन पंत को अब धमकी मिलने लगी है, जिसे लेकर नितिन पंत ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला था। वहीं इस वीडियो में नितिन पंत ने एक फर्जी साध्वी का भी जिक्र किया है। आपको बता दें, वीडियो में नितिन ने उस साध्वी पर आरोप लगाया है कि उसने किसी इस्लामिक धार्मिक गुरु के खिलाफ बयान न देने का प्रलोभन दिया है। वहीं गवाही देने पर उसे मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं नितिन ने आरोप लगाया है कि साध्वी ने यहां तक कहा कि तुम सपा या कांग्रेस ज्वाइन कर लो और सरकार आते ही तुम्हारे पास लाल बत्ती होगी और सरकार की ओर से 30-40 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। मुझे प्रलोभन दिया गया है पैसों का और सपा की सरकार आने के बाद लाल बत्ती गाड़ी और 40 लाख रुपए होगा। अच्छा, किसने दिया? एक फर्जी महिला है, नाम है सविता देवी जमुनादास, उन्होंने दिया है। और क्या कहा? उन्होंने यूँ कहा कि हम आपको पैसे देंगे, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो, बयान बदल दो मौलाना कलीम के खिलाफ। किसके खिलाफ? हाँ, मौलाना कलीम जिसको पकड़वाया है उसके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं वो बयान मत दो। अच्छा, मौलाना कलीम कौन है? मौलाना कलीम एक आतंकवादी गतिविधि वाला शख्स है। वो हिंदुस्तान में धर्मांतरण का, हत्यारों का और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करवाता है। ऐसे व्यक्तियों को तो फांसी होनी चाहिए और वो देवी जी जो हैं वो यूँ चाहती हैं कि उनको बयान ना दिया जाए उनके पक्ष में। हम साध्वी सविता जमुना दास, अखाड़ा राम दिगंबर महात्यागी नागा साध्वी, और हम तो सब भाइयों को बुलाना चाहते थे कि हमें अब जो हिंदू युवा वाहिनी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश धर्माचार्य प्रमुख के पद से नवाजा गया है और हम बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं खुद को, लेकिन बड़ा ही हृदय को वेदना हो रही है कि आज धर्म के ऊपर चलने वालों के ऊपर जो सत्य की राह पे चलते हैं इतना कुठाराघात हो रहा है। बताइए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली ने आतंकवादियों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग किसी को पूजा करने से रोकते हैं या खुद को बम से उड़ाते हैं वो इस्लाम के चेहरे को बदनाम करने वाले शैतान हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उनको जनाजा नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और ना उनके जनाजे में शामिल होना चाहिए। तो राव मुशर्रफ की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है आतंकवाद को लेकर, उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने कहा जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, इस्लाम के चेहरे को बदनाम करने के लिए ये शैतान की औलाद और इबलीस की औलाद उन्हें ईद मिलादुन नबी से पहले के षड्यंत्र शुरू किया है दहशतगर्दों ने, ताकि हम मुसलमान लोग ईद मिलादुन्नबी ठीक से ना मना सकें। तो बांग्लादेश के अंदर, कश्मीर के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर जो एक दूसरे की इबादत से रोक रहे हैं ये शैतान की औलाद हैं, और जो एक दूसरे की इबादत का एहतराम और इज्जत नहीं करता वो शैतान है। विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार हरदोई पहुंचे नितिन अग्रवाल का शंडीला की सीमा पर बीजेपी के विधायक राजकुमार अग्रवाल ने स्वागत किया। इसके बाद स्वागत समारोह का सिलसिला लगातार जारी रहा। वहीं इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन अग्रवाल ने कहा कि हरदोई वासियों के आशीर्वाद की बदौलत उनको ये पद मिला है और वो हरदोई वासियों की सेवा में सत्य
प्रयास करते रहेंगे और विकास की जो भी योजना है वो यहाँ पर लागू कराने के लिए काम भी करेंगे। मैं अपने हरदोई वासियों का सही तरीके से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मैं कहना चाहता हूँ उनके आशीर्वाद की बदौलत आज मैं इस पद पर पहुंचा हूँ। मैं वादा करता हूँ हरदोई वासियों से कि जहाँ भी रहूंगा हरदोई के लिए जो कुछ भी कर पाऊंगा अपने हरदोई जनपद के लिए, हरदोई के लोगों के विकास के लिए। हमीरपुर में एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बुजुर्ग ट्रेन की पटरी पर बैठा था, इसी दौरान पटरी पर ट्रेन आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनाई दी, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया है। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर रेल की पटरी पर बैठे बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। दरअसल बुजुर्ग को ट्रेन की आने की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, जिस वजह से ये हादसा हो गया। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां दबंगों ने एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि उसकी थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक के चौधरी ने थाना अध्यक्ष सिकंदरा को निर्देश देते हुए जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि थानाध्यक्ष सिकंदरा ने मुझे थाने बुलाकर गाली गलौज करते हुए धमकी दे डाली, जिससे आहत होकर पीड़ित युवक ने क्षेत्राधिकारी से थानाध्यक्ष की शिकायत की। वहीं क्षेत्राधिकारी ने न्याय का आश्वासन भी दिया है। ये मामला सुजीत और टिंकू का था, 2 तारीख को जो झगड़ा हुआ था उस संबंध में मुकदमे की प्रति लेने जो SHO साहब के यहाँ गए थे तो उन्होंने गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गाली गलौज कर थाने से भगा दिया। उसके बाद इनको जो है अज्ञात लोगों के द्वारा इनका पीछा किया गया। इस संबंध में जानकारी जो हमें टिंकू जी ने हमको दी तो हम अपनी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम लेकर माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय के पास आए और उनको इस पूरी घटना से अवगत कराया। हमारा मामला ये है कि हमने 2 तारीख में हमारे झगड़ा हुआ था ग्राम प्रधान जमौरा के बबलू से, तो ये सभी लोग एकत्रित होकर के हमारे साथ मारपीट की थी। उसका मामला हमने थाने में दिया, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, कप्तान साहब के यहाँ दिया, उसमें कप्तान साहब ने आदेश किया, वो काफ़ी हम लेकर के आए थाने, उसमें भी कोई इन्होंने सुनवाई नहीं की। दोबारा वो काफ़ी हम लेकर के थाने से क्या नाम कप्तान साहब के यहाँ गए तो कप्तान साहब ने फिर उस कापी पर दोबारा से क्या नाम आदेश किया कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए। फिर उन्होंने मुझे डेट कल के दिन मुझे 18 तारीख में बुलाया फ़ोन करके, तो मैं आया, इन्होंने हमसे साइन करवाए, फ़ोन नंबर लिखवाया। इसके बाद हमने पूछा कि साहब हमारा मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, तो ये बोले कि हाँ हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।